गीता है मेरा नाम। आज 17वां दिन है। हमको हमारे अस्पताल की तरफ से नोटिस मिल गया है कि तुम 27 कर्मचारी आ गए, आउटसोर्सिंग के स्टाफ की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमको हटा दिया गया। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? आगे की ये प्लानिंग है, अभी तो हमने सबको अवगत कर रखा है, लेकिन आगे अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। 17वां दिन है, अब हम आगे भूख हड़ताल पर उतरेंगे। अच्छा, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर से उनसे बातचीत हुई आप लोगों ने? हाँ जी, हुई थी। तो उन्होंने आश्वासन मिलता है? वे आश्वासन दे देते कि आपकी फाइल आगे चल रही है, कुछ होएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। अच्छा, कितने कर्मचारी हैं आप लोग? 113। मेरा नाम पूनम है और हम यहाँ पे 17 दिनों से धरने पे बैठे हैं। हमारे मांगों के लिए हमने सभी को ज्ञापन दे दिया है। अभी तक प्रशासन की ओर से हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है, और अगर आगे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे जी। इसकी लापरवाही आपको देखने को मिल रही है? हमारे प्रशासन की ओर से हमें लापरवाही देखने को मिल रही है कि उन्होंने 17 दिन से हमारी कोई सुध नहीं ली है। हमने सभी को ज्ञापन दे रखा है, उसके बावजूद भी कोई अब तक हमें प्रशासन की साइड से कोई मिलने भी नहीं आया है। कोविड के हाल में बहुत बुरे दिन देखने को मिले थे। हमने 1 साल कोविड में ड्यूटी की थी, बिना अपने बच्चे को, बिना अपने परिवार को देखे, और हम अपने परिवार से मिलने भी नहीं दिया जाता था, और हम पॉजिटिव भी हुए थे। तन मन धन लगा के सब कुछ हमने मरीजों की सेवा की थी, सेट सेट मरीजों की देखभाल की थी, एक एक पेशेंटों ने, और फिर भी हमारी तरफ कोई, मतलब कि हमें कोई लाभ नहीं मिला उसमें। और आज हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस समय हमने काम किया था कि यहाँ स्टाफ भी नहीं था काम करने के लिए, और कोई आने के लिए तैयार भी नहीं था उस टाइम पे, और आज हमें ये दिन देखने को मिला है। अगर आपको वापस नहीं लिया जाता है तो आपका भविष्य के बारे में आप लोगों ने क्या सोच रखा है? हमारा भविष्य तो खराब ही हो चुका है, क्योंकि हमारी एज भी हो चुकी है, और 5 साल से हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, और जो हमारी थ्योरी है वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज ही है हमें अब। हम उस समय काम नौकरी करने के साथ साथ हम पढ़ाई भी नहीं कर सके थे, और हमारी एज भी हो गई है, हम फॉर्म भी नहीं भर सकते आगे, तो आगे क्या भविष्य रह गया अब हमारा। सरकार से क्या बोलना चाहेंगे अभी आप लोग? हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि हमें वापस लिया जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारे भविष्य की तरफ भी देखा जाए कि हम किस स्टेज पे हैं अब। मैडम, जो नोटिस थमाया है उसका कोई रीज़न नहीं बताया आप लोगों को? अभी तक तो कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ नियमित भर्ती के अनुसार ही ये कहा गया है कि अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन किसी ने यहाँ पे मेडिकल प्रशासन ने यहाँ पे हमारे पास आके ये भी नहीं पूछा है कि तुम ठीक हो या आगे तुम्हारी कार्रवाई चल रही है, कागज़ चल रहे हैं, कैसे हो तुम। आंधी तूफान कुछ भी आए, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। होली भी गई है, फाग भी गई है, त्यौहार भी गए हैं, हमने कोई कुछ नहीं मनाया, हम घर पे भी नहीं गए हैं, फिर भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारी तरफ कॉलेज प्रशासन या फिर सरकार कोई, किसी का कोई ध्यान नहीं है। मनोज देव, क्या डिमांड है आपकी, क्या मांगे? सर, हम आउटसोर्सिंग पार्ट फर्स्ट के तहत 113 कर्मचारी इस मेडिकल कॉलेज में पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें से 113 कर्मचारियों को हटाने का नोटिस दिया गया है, और वो नोटिस वापस लेने के लिए हम यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हैं। कितने दिनों से धरना पड़ा? आज 17वां दिन है। 17वां दिन, क्या क्या मांगे हैं आपको? हम लोगों की 3 मांगे हैं, जिसमें से मुख्य मांग ये है जो हम लोगों को नोटिस दिया गया है उसको वापस लिया जाए। नोटिस किस लिए आप पे दिया गया है? हटाने का जो नोटिस दिया गया है उसको वापस लिया जाए। दूसरी डिमांड है जो हम लोगों को चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, पर 5-6 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, हर वीकेंसी में जब भी फार्म डालते हैं उसके अंदर वो हमारा जो कंपनी के तहत जो एक्सपीरियंस दिया जाता है वो मान्य नहीं होता, इस वजह से बार बार समस्या ये आती है कि हमें चिकित्सा अधीक्षक, इस मेडिकल कॉलेज में जब हम सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोगों को चिकित्सा अधीक्षक ही हमें अनुभव प्रमाण पत्र दे। मेरा नाम शीशराम है और आज हमारा धरने का 17वां दिन है यहाँ पे, लेकिन आज तक प्रशासन की, सरकार की, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई, ना तो कोई मिलने आया यहाँ पे, ना कोई पक्का आश्वासन मिला है कि भाई आपका काम हो जाएगा नहीं होगा। पर हमारी मांग ये है कि यहाँ पे 228 पोस्ट वैकेंट हैं, अभी सेंक्शन नहीं है वो। हम ये चाहते हैं भाई गवर्नमेंट उनको सेंक्शन करके दे, और भाई उस व्याप पे हमें अंदर कंटिन्यू किया जाए। मेरा नाम जाहिद अली है जी। अच्छा, क्या पोस्ट है आपकी? जी यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है जी। अच्छा, क्यों धरने पे बैठे हैं? सर ऐसा है कि हमें यहाँ से जो है अचानक से नोटिस दिया गया था 4 तारीख को कि आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है,
तो हमें यहाँ से 114 स्टाफ थे सभी को बाहर कर दिया गया है और उसी की वजह से जो है हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। आज 17वां दिन है, किसी भी ने भी हमारी सुध नहीं ली अभी तक, कोई भी प्रशासन का या गवर्नमेंट का कोई भी आदमी यहाँ ये सुध लेने नहीं आया है कि ये बच्चे गर्मी में धूप में आंधी तूफान में पड़े हुए हैं। हमारे साथ फीमेल स्टाफ भी है जो काफ़ी दिनों से परेशान है, काफ़ी स्टाफ हमारा नोटिस दिया है उसका कोई कारण नहीं बताया प्रशासन ने। इन्होंने यही बताया था कि हमारे पास अब जो है परमानेंट वैकेंसीज आ गई हैं, परमानेंट स्टाफ आ गया है, अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि इसमें 228 पोस्ट वैकेंट हैं, अगर उनमें से 114 हमारे लिए सेंक्शन कराई जा सकें तो हमें यहाँ पर जो है नौकरी का मौका दोबारा से मिल सकता है और मिलना भी चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी डिमांड है। 600-500 कुछ बेडेड हॉस्पिटल है और उसके अकॉर्डिंग जो MCI टीम होती है उसके अकॉर्डिंग 514 की रिक्वायरमेंट भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। कोई हमारी ये सुध नहीं लेता है कि यहाँ पड़े हुए हैं गर्मी में जैसे भी यहाँ पे अपना। पॉलिटिकली सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? पॉलिटिकल सपोर्ट मिल भी रहा है, हमने काफ़ी कोशिशें की हैं, काफ़ी जगह गए हैं, मोस्टली जितने भी हैं हम सबसे मिल चुके हैं, सबसे हमने खूब रिक्वेस्ट की है, एक एक रात वहाँ उनके घर के आवास पर रुके भी हैं, लेकिन किसी ने अभी तक ठोस आश्वासन ये नहीं दिया है कि आपका सिलेक्शन होगा या आपको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही घुमाया जा रहा है, कोई उधर कोई उधर, कोई अभी तक हमारे लिए पक्का आश्वासन नहीं दिया गया है। आपको कोई राजनीतिक एंगल नज़र आता है इस मामले में? जी, राजनीतिक एंगल तो हमें कुछ नहीं नज़र नहीं आता क्योंकि हम वो चाहते भी नहीं हैं कि ये राजनीतिक रूप ले। हम चाहते हैं कि बस यहाँ 114 स्टाफ जो अपने 5-6 साल से सेवाएं दे रहा है उनको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले। स्वास्थ्य कर्मियों की वैसे ही मेवात में कमी आ रही है, क्यों ना इन 114 स्टाफ को यहाँ पर एडजस्ट किया जा सके ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जा सके, चलाया जा सके। मैं हूँ जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। मेवात के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में यहाँ जो 113 का नर्सिंग स्टाफ था उन्होंने पिछले 17 दिनों से धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है, लेकिन उनको जब नोटिस थमाया गया कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है उसका कोई कारण नहीं बताया और पुख्ता सबूत नहीं दिए गए, उसके बाद जो यहाँ जो प्रशासन है, जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का जो सीनियर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया, उनके बाद लगातार का धरना प्रदर्शन जारी है। जो नर्सिंग स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेडिकल कॉलेज में 510 बेड की सुविधाएं हैं, लेकिन यहां पर जो स्टाफ की बात की जाए तो समथिंग 300 के करीब, 350 के करीब जो स्टाफ है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो अभी भी 220 के समथिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और जो 113 जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। इनको कोई आश्वासन नहीं मिला है, इनकी नौकरी पूरे तरीके से जा चुकी है और इनका जो भविष्य है पूरे तरीके से खतरे में पड़ चुका है। अब ऐसे में इनकी जो आगे की जो प्लानिंग है वो क्या होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे और आगे जो पॉलिटिकली जो सियासत जो खेली जा रही है उसका कितना सपोर्ट इन लोगों को मिल रहा है उसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि मेवात एक ऐसा इलाका है जहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर पूरे तरीके से चिकित्सा की सारी लाभ नहीं मिल पाती हैं और पूरे तरीके से यहाँ पर जो बाहर का जो स्टाफ है जो यहाँ पर काम करने से कतराता है, दूसरी ओर यहाँ कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेडिकल नल्हड़ कॉलेज जो पहले भी सवालों के घेरे में रही है, कई मामलों में सवालों के घेरे में पहले भी आ चुकी है और एक संदिग्ध हालात से ये गुजर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी तरीके की तस्वीर दिखाता रहूँगा क्योंकि मेवात वो इलाका है, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भी ये पिछड़ा हुआ इलाका घोषित किया गया। कोरोना काल में जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो नर्सिंग स्टाफ, इन्होंने अपनी जो मेहनत का लोहा मनवाया और जो बुरे हालात में लोगों ने यहाँ के जो COVID-19 में जो यहाँ पर साथ दिया और यहाँ पर पेशेंट को पूरे तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर उनका इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, वो भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, लेकिन अभी जो हालात हैं जो बदतर हैं और ये पूरा जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेडिकल नल्हड़ कॉलेज का नज़ारा है और आगे भी मैं आपको लगातार की तस्वीर दिखाता रहूँगा, क्योंकि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक सरकार इनकी नहीं सुनेगी, तब तक इनका धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और तब तक ये सरकार से अपनी मांगों को नहीं मनवा लेंगे, तब तक का इनका जो धरना प्रदर्शन वो जारी रहेगा और लगातार की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।